लगातार रद्द होते ट्रेन एवं रेलवे को निजी हाथों में सौंपने के विरुद्ध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 13 सितंबर को रेलवे रोको आंदोलन निकालने जा रही है। इसी के तहत दुर्ग जिले के संगठन प्रभारी गिरीश देवांगन ने दुर्ग के राजीव भवन में पत्रकार वार्ता लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गिरीश देवांगन का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेलवे सुविधा को समाप्त करने का साजिश रचने का आरोप लगाते हुए दुर्ग के राजीव भवन में खनिज निगम और दुर्ग जिले के संगठन प्रभारी गिरीश देवांगन ने प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी दी कि बरसों से भारतीय रेलवे आम जनता का भरोसेमंद रास्ता और सुलभ परिवहन का प्रयास हुआ करता था, जिसे मोदी राज में रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करके निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिना कोई कारण बताए, बिना किसी ठोस वजह के यात्री ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिया जाता है। रेलवे द्वारा यात्री ट्रेनों को महीनों हफ्तों तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। महीनों पहले यात्रा की योजना बनाकर रिजर्वेशन कराए नागरिकों की परेशानी से रेलवे और केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं रहता है। देश की आज़ादी के बाद ऐसी स्थिति केवल मोदी सरकार में आई है, जहां रेलवे की यात्री सुविधाएं इतनी ज़्यादा खस्ताहाल हो गई है। वहीं आगे भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि यात्री ट्रेनों को जानबूझकर रद्द किया जाता है, कभी कोयले के आपूर्ति के नाम पर, कभी कोई और कारण बताकर। यह विश्वसनीय यात्री सेवा भारतीय रेलवे को बदनाम करने की साजिश है, ताकि लोग रेलवे से ऊब जाए और रेल को भी मोदी अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले कर सके। भाजपा राज में रेलवे में मिलने वाली बुजुर्गों की छूट खा गए, छात्रों को मिलने वाली रियायत खा गए, किराए में बेतहाशा वृद्धि, प्लेटफॉर्म टिकट तक में कई गुना वसूली, दैनिक यात्री, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी, पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, कामगार, नौकरी पेशा, आम यात्री सभी मोदी राज में उपेक्षा पीड़ित और प्रताड़ित है। इसके साथ ही उन्होंने इस विषय पर अपना आक्रोश जताते हुए आगामी 13 सितंबर को स्टेशनों पर पहुंचकर प्रदर्शन किए जाने की बातें कही। देखिए, जो यात्री ट्रेन है, देश की आज़ादी के बाद भारत के आम लोगों का यात्री परिवहन का एक जीवन रेखा है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये यात्री परिवहन सुविधा है, जिसे धीरे धीरे षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार धीरे धीरे ट्रेनों को रद्द कर करके रेलवे के ऊपर जो एक विश्वास आम जनता का है परिवहन के मामले में, चाहे भारत के किसी भी कोने में जाना हो तो सस्ता, सुगम, सुलभ यदि कोई है तो रेलवे है, उसको समाप्त करने का ये हिडन एजेंडा षड्यंत्र मोदी जी के सरकार में किया जा रहा है। और जब ट्रेन आप रद्द करते हैं तो मालवाहक को क्यों प्राथमिकता के आधार पर? आप हजारों मालवाहक गाड़ियां चल रही हैं, छत्तीसगढ़ में विभिन्न खनिज हैं, विशेषकर कोयला है, कोयला का परिवहन रात और दिन कैसे हो रहा है? यात्री ट्रेनों को रद्द करके क्या किसी व्यक्ति विशेष को आप फायदा पहुँचाने जा रहे हैं? धीरे धीरे ये रेलवे के ऊपर विश्वास समाप्त करके रेलवे को आप क्या बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं? हजारों की संख्या में ट्रेनों को बंद किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने लगातार इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेलवे मंत्री को लगातार चिट्ठी लिखकर निवेदन किया है कि इस प्रकार से अचानक ट्रेनों को रद्द न किया जाए, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आप देखिए कि यहाँ के सांसद चुप्पी साधे बैठे हैं। अरुण साव जो बिलासपुर के सांसद हैं, बिलासपुर रेलवे जोन है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें हिडन एजेंडा है और किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ये काम कर रही है। इसके विरोध में चरणबद्ध कार्यक्रम है, आज पत्रकार वार्ता की गई है, कल, परसों और नरसों 12 तारीख तक पोस्टर के द्वारा आम जन जागरण अभियान चलाएगा और 13 तारीख को दुर्ग रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। ये बीच में कोरोना काल था तो समझ में आ रहा था, लेकिन अब पूरे देश में कोरोना समाप्त हो गया, उसके बाद उसका बहाना करके इस प्रकार से जो कार्रवाई की जा रही है, और लगातार बता तो रहा हूँ आपको मैं, कोई हम लोग की तरफ से देरी नहीं हुआ है। जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं सिस्टमेटिकली होते हैं, चरणबद्ध तरीके से किए जाते हैं, उनको पत्र लिखा गया, निवेदन किया गया। अब जब समझ में आ रहा है कि उसके बाद भी केंद्र की सरकार नहीं जाग रही और यात्री सुविधाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है,
यहाँ के यात्रियों के साथ खुलवाड़ कर रही है, और उसमें हिडन एजेंडा जो समझ में आ रहा है कि रेलवे को जो मालवाहक को भेज कर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने की जो कोशिश की कर रही है, उसके बाद ये कदम उठाना पड़ा। रेलवे के कार्य के चलते तथा सिग्नल को ऑटोमेटिक पद्धति से बनाए जाने के कारण दुर्ग से कुम्हारी व रायपुर तक ट्रेन प्रभावित रहेगी। इसे लेकर मुख्य स्टेशन प्रबंधक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नहीं, ऐसा कुछ कारण नहीं है कि लेट हमेशा वो ट्रेन लेट चलता है करके। आजकल सरकार का ये नियम दिया गया है कि आपका जो जर्निंग का जो टाइम है कम करने के लिए ट्रैक सिग्नल और कोच का कुछ डेवलपमेंट किया गया है। कुछ ट्रैक का रिन्यूअल हो रहा है और कुछ नया सिग्नल आ रहा है, और आप लोग का ज़्यादा गाड़ी चलने के कारण से कुछ स्टेशन का जो मॉडिफिकेशन वर्क हो रहा है, ये काम को मद्देनज़र रख के कभी कभी कुछ गाड़ी का कैंसिल किया जाता है। मगर आजकल तो गाड़ी सब पूरा राइट टाइम में चल रहा है। हमारा यहाँ दूर का जो ऑरिजिनेटिंग गाड़ी का है वो तो 100% पंक्चुअलिटी है, राइट टाइम में जाता है। यहाँ हमारे सेक्शन में अभी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, रिमॉडलिंग वर्क हो रहा है, और उसका कारण से कहीं कुछ एनआई का कारण, नॉन इंटरलेक्ट वर्क का कारण से कहीं कुछ आपका गाड़ी का कुछ कैंसिल हो रहा है तो अलग बात है। मगर जनरली हमारा बिलासपुर नागपुर से हमारा रायपुर डिवीज़न बहुत अच्छा है, उनका पंक्चुअलिटी पूरा 90%। नहीं, ऐसा बात नहीं है, मालगाड़ी को आप दूसरा बात करिए, क्योंकि मालगाड़ी ऐसा है कि मालगाड़ी को हम चलाएंगे तो हमारा अर्थनीति का तो डेवलपमेंट होगा, हमको तो कमाई करना है। पैसेंजर ट्रेन में भी कमा रहे बात नहीं है, मगर माल ट्रेन का चलाने के लिए सरकार अलग कॉरिडोर बनाया है, उनका रास्ता अलग है, पैसेंजर को चलाने के लिए रास्ता अलग है। वो दोनों का कभी भी वो ये नहीं होता है, मैंने क्लास नहीं होता है, वो अलग अलग रूट पर चलता है। हम लोग कभी भी गुड्स ट्रेन चलाने के लिए कोचिंग ट्रेन को निरस्त कर देता है, ये बात सरासर झूठ है। जब कभी कोई ट्रेन को हम लोग कैंसिल करते हैं तो उनका काम रहता है कि नॉन इंटरलॉकिंग वर्क का कारण से ही होता है, क्यों सरकार आज दे रहा है कि हमको 130 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चलाना है, तो उसके लिए जो ट्रैक का, उनका कुशन का, सिग्नल का, स्टेशन का भी ऐसे भी होना, जब बहुत सारा स्टेशन का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ उसको भी कराना है, क्यों अभी 22 कोच का LHB कोच चल रहा है, थोड़ा लंबा गाड़ी है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म छोटा पड़ता है तो प्लेटफॉर्म का वर्क चलता है। ये सब काम के लिए कभी कभी कोचिंग ट्रेन को हम लोग कैंसिल करते हैं, नहीं तो गुड्स ट्रेन के लिए हम लोग नहीं करते। ग्रैंड न्यूज़ के लिए खेमराज निषाद की रिपोर्ट।